हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल के ड्राई फ्रूट वाले लड्डू, जिसको हम पंजीरी वाली मूंग दाल की पिनिया भी बोलते हैं। तो ये पिनिया बनाने के लिए मैंने मूंग दाल का आटा लिया है, और ये मैंने गुड़ का चूरा लिया है, और ये गोंद ली है। 100 ग्राम मैंने ली है गोंद, और 100 ग्राम बादाम लिए हैं, और 100 ग्राम ही काजू लिए हैं, और ये 200 ग्राम मैंने घी लिया है, देसी घी। तो आइए बनाते हैं मूंग दाल की पिनिया। सबसे पहले मैं ये काजू, बादाम और गोंद को फ्राई कर लूँगी। आइए, ये सबसे पहले मैं गैस ऑन करती हूँ। अब मैं इसमें घी डालूंगी ये ड्राई फ्रूट फ्राई करने के लिए। पहले मैं गोंद को फ्राई करूंगी। मैं मीडियम फ्लेम पे गोंद को फ्राई करूंगी। अब मैं इसमें बादाम फ्राई करूंगी। बादाम भी फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकालूंगी। अब मैं इसमें काजू फ्राई करूंगी। फ्राई अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और काजू भी निकाल लूंगी। अब ये ड्राई फ्रूट को मैंने फ्राई कर लिया है, अब इनको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब इसी फ्राई पैन में मैं मूंग के आटे को भूनूंगी। गैस ऑन करती हूँ और इसमें थोड़ा सा घी और डालूंगी। भून चुका है, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। अभी इस आटे को ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब जो मैंने ड्राई फ्रूट को फ्राई करा था, उसको मैं ग्राइंड कर लूंगी। सबको एक साथ ही कर लूंगी। देखिए, ये ड्राई फ्रूट पीस चुके हैं, अब इनको निकालूंगी। अभी पिसे हुए ड्राई फ्रूट को मैं मूंग दाल के आटे में डाल दूंगी। इसमें मैं ये गुड़ का चूरा डालूंगी। मीठा आप अपने हिसाब से कम से ज्यादा कर सकते हो। अच्छे से मिक्स करके मैं लड्डू बनाऊंगी।
फ्रूट्स और ये आटा अच्छे से मिक्स हो गया है और ये सारा मिक्सचर भी ठंडा हो गया है, तो मैं अब इसके लड्डू बनाऊंगी। लीजिए, मूंग दाल के लड्डू बनकर तैयार हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप ही अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।